हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एफेक्ट और इफेक्ट, इससे होने वाली जो उलझने हैं, इनसे होने वाली जो कन्फ्यूजन है एग्जाम के अंदर, उसको दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आइए देखते हैं। एफेक्ट एक वर्ब है, ठीक है, और इसका मतलब होता है टू इम्पैक्ट या फिर टू प्रिटेंड, ठीक है। और इफेक्ट का मतलब होता है इम्पैक्ट या फिर टू कोज। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एफेक्ट जो है ना, वो नाउन भी है और वो वर्ब भी है। हालांकि इसका ज्यादातर उपयोग जो होता है नाउन के तौर पे किया जाता है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि ये वर्ब भी होती है, ठीक है। जबकि जो एफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब होती है, ठीक है। अगर आप ये बात ध्यान रख पाए तो चीजें आसान हो जाएंगी। और साथ में याद रखिएगा कि इम्पैक्ट एफेक्ट का भी मतलब होता है और इफेक्ट का भी, लेकिन इसको ऐसे वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और इसको ऐसे नाउन इस्तेमाल किया जाता है। तो जो स्टूडेंट सेंटेंस के अंदर ये देख पाएगा कि मुझे यहाँ पर वर्ब की रिक्वायरमेंट है या मुझे यहाँ पर सेंटेंस के अंदर नाउन चाहिए, तो वो इसको आसानी से कर पाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपने देखा दिस डिश इज, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देख पा रहे हैं आपकी इज लगा हुआ है। तो अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो आगे आपका मेन वर्ब तो चाहिए चाहिए आपको। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है एक मेन वर्ब की, ठीक है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो एफेक्ट है ना, वो मेन वर्ब यानी कि वो वर्ब होता है, ठीक है, वो नाउन होता ही नहीं है। तो और जबकि ये वर्ब हालांकि इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन जब इफेक्ट जो होगा ना, वो वर्ब तब होगा जब उसका मतलब होगा टू ब्रिंग अबाउट। जबकि यहां पर हम इसका जो मतलब देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दिस डिश इज डैश माई एबिलिटी टू ब्रेथ, ब्रेथ करने की एबिलिटी को, ठीक है, ये बीमारी जो है ये क्या कर रही है, इंपैक्ट कर रही है। सीधी सी बात है, इंपैक्ट कर रही है। तो आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, वो भी कौन सा, एफेक्ट। तो उसकी कंटिन्यूस फॉर्म लगा देंगे एफेक्टिंग। नेक्स्ट देखिए क्या है, द मेडिसिन हैड, यहां पर देखिए एक आर्टिकल लगा है। तो आर्टिकल के बाद सीधी सी बात होती है कि आर्टिकल इस बात का इंडिकेटर होता है कि नाउन आने वाला है। तो आगे कहीं ना कहीं पे आपको नाउन चाहिए, तो यहां पर जो भरा जाएगा ना वो नाउन होगा, ठीक है। और ये अगर आपको ये पता चल जाए कि नाउन की रिक्वायरमेंट है, फिर तो आपको लगभग डायरेक्ट आंसर ही मिल जाता है। क्यों, क्योंकि नाउन एक ही है और वो है इफेक्ट, ठीक है। तो आप आसानी से यहां पर चूज कर सकते हैं कि ये आएगा ये नहीं आएगा, ठीक है। द मेडिसिन हैड एन इंस्टेंट इफेक्ट ऑन द पेन, यानी कि इंस्टेंट इम्पैक्ट होता है पेन के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो वही है जो मैंने आपको डिटेल्स प्रोवाइड की थी, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, स्मोकिंग कैन, कैन आपको पता है कि मोडाल होता है और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी होता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या चाहिए, मेन वर्ब। लेकिन बात यह कि वर्ब तो ये भी होता है और इफेक्ट भी होता है। तो अब सीधी सी बात है, इसकी मीनिंग को देखना पड़ेगा कि मीनिंग किसकी क्लियर है, यानी कि किसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग ये फिट होगा। आप देखिए, स्मोकिंग कैन डैश आवर हेल्थ एडवर्सली, स्मोकिंग हमारी हेल्थ को क्या करती है, इंपैक्ट करती है। इंपैक्ट करती है तो आपको पता चल गया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एफेक्ट वाला वर्ब चाहिए। तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, स्मोकिंग कैन हैव, देखिए कैन आ गया, कैन के बाद आपको मेन वर्ब चाहिए था, ये मेन वर्ब आ गया। अब जो एडवर्स है ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये एडजेक्टिव है तो सीधी सी बात है इसके बाद नाउन आएगा, ठीक है, ये नाउन चाहिए आपको यहां पर। तो ये तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया कि अगर नाउन चाहिए तो नाउन तो एक ही है और वो क्या है, वो है आपका इफेक्ट, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्मोकिंग कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। नेक्स्ट देखिए, इन एस्ट्रोलॉजी स्टडीज द, अब अगेन देखिए यहां पर आर्टिकल आया, तो आर्टिकल आया तो सीधी सी बात है आपको आगे क्या चाहिए, नाउन चाहिए, ठीक है। नाउन चाहिए तो नाउन इन दोनों में से कौन सा है, नाउन है आपका इफेक्ट, जो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द मैनेजर डिडंट, अब देखिए डिड नॉट, डिड जो हो गया हेल्पिंग वर्ब होगी, इसके बाद आपको वर्ब चाहिए। तो यहां पर आपको क्या चाहिए, वर्ब। तो वर्ब तो दोनों होती हैं, वर्ब तो आपका एफेक्ट भी होता है और इफेक्ट भी होता है। तो अब आपको मीनिंग कंसिडर करनी पड़ेगी यहां पे कि मीनिंग क्या चाहिए आपको,
क्या आपको यहां पर जो मीनिंग है वो इम्पैक्ट चाहिए या फिर टू कॉज चाहिए, ठीक है, यानी टू ब्रिंग अबाउट चाहिए। तो देखिए, द मैनेजर डिडंट डैश एनी चेंज इन द शेड्यूल। मैनेजर ने शेड्यूल के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया, ठीक है, डिडंट, वो उसने क्या नहीं किया, ब्रिंग अबाउट, सीधी सी बात है, उसने कोई भी चेंज लेके नहीं आया, वो तो चेंज नहीं लेके आया, तो ब्रिंग अबाउट कहां पर आ जाएगा, ब्रिंग अबाउट होगा इफेक्ट में, ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।